सरयू नदी के किनारे बसा है भगवान श्री राम जी का जन्मस्थली अयोध्या नगरी, और इसी अयोध्या नगरी में है राम भक्त हनुमान जी का निवास स्थान हनुमानगढ़ी। 76 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम उस टीले तक पहुंच जाते हैं जहां हनुमान जी आज भी साक्षात विराजते हैं। लंका विजय के पश्चात श्री रामचंद्र जी जब सीता मैया के साथ अयोध्या लौटे तो उनके भक्त हनुमान भी उनके साथ आए और इसी टीले पर अपना निवास बना लिए। अंतिम सीढ़ी चढ़ने के बाद हम एक खुले हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। मैं कैमरा को एक बार चारों ओर घुमाकर दिखा देता हूं। दाहिनी ओर ही मुख्य मंदिर है, पर वास्तव में इधर से प्रवेश करने का नहीं है, प्रवेश दूसरी ओर से करना पड़ता है। मैं आस्ते आस्ते आपको उधर लिए चलता हूँ। यह मंदिर के सामने का भाग है, किंतु आप इधर से भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक रस्सी की सहायता से प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया गया है। दाहिने ओर से जो भाई साहब आ रहे हैं वास्तव में उसी ओर से प्रवेश करना है। मैं एरो की सहायता से आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर मध्य में आकर हनुमानगढ़ी के राजा का पूजन और दर्शन करें और बाईं ओर से प्रस्थान कर जाएं। आप चाहें तो क्लॉकवाइज मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते। अयोध्या आने वाले सभी भक्त को किसी भी मंदिर, मठ और यहाँ तक कि रामलला के दर्शन करने से पहले यहाँ आकर हनुमान जी का दर्शन करना पड़ता है, और यह अधिकार स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को दिए हैं। जहाँ अन्य मंदिरों में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के सेवक के रूप में होते हैं, वहीं इस मंदिर में वे राजा के रूप में पूजित हैं और राम दरबार उनके पीछे सजता है। श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या छोड़कर बैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अयोध्या के देखभाल का दायित्व हनुमान को सौंप कर गए और उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वह इसी टीले पर रहकर कलयुग के अंत तक सृष्टि की देखभाल करें। सामने बरामदे में बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान लिखकर अपनी सहमति प्रकाश करें, और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।